रहमानुर्रहीम। डियर स्टूडेंट, पीएमसी की तरफ से बहुत ही अहम नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप लोगों में बहुत से लोग पूछ रहे थे कि अब हमारी जो डेट है या हमने फ़ीस जमा करवानी थी या एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो उसके लिए हम क्या हो सकता है, तो उसके लिए बहुत सारे पीएमसी की तरफ भी ये शिकायत उसने मौसूल हो रही थी। तो उन्होंने अब फैसला किया है कि जो पीएमसी की रजिस्ट्रेशन है उसको दोबारा ओपन कर दिया जाए। अब इसमें बहुत सारी कैटेगरी हैं जो उन्होंने मेंशन भी कर दी हैं। हर तरह का बच्चा जो है इसमें अप्लाई कर सकता है, जिसने अभी तक नहीं किया वो भी कर सकता है। पहले तो उन्होंने कहा है कि जो हमारी डेट थी वो हमने 15 जुलाई की थी, तो 15 जुलाई 2022 तक था। उसके बाद हमने एक्सटेंड कर दी कि 16 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने दी, उसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चों ने नहीं की, तो उसके बाद अब ये डेट जो है 27 जुलाई 2022 तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के साथ ही आप अपना नए सिरे से भी अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने मेंशन कर दिया है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई ही नहीं, वो लेट हो गए थे किसी वजह से, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और लेट फीस के साथ नया चलान फॉर्म लेकर उसे फिल करें और अप्लाई कर दें। और उसके बाद ये उन्हीं के लिए एक्सटेंड की गई है। उसके बाद ऐसे बच्चे जिन्होंने अप्लाई तो कर दिया था लेकिन फ़ीस जमा नहीं करवाई थी, तो उनको भी अब लेट चार्जेस पड़ेंगे। वो भी ऐसा करेंगे, अब वहीं इनकी वेबसाइट पर जाएंगे और नया चलान फॉर्म लेकर नए चलान फॉर्म को डाउनलोड करके उस पर फीस जमा करवा सकते हैं और अपना सारा प्रोसीजर मुकम्मल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थी इनकी डेट्स की तरफ थी। तो आप अपनी अपनी जो डेट है वो अगर किसी ने नहीं करवाई, किसी ने अभी तक जमा नहीं करवाया या फीस जमा नहीं करवाई या अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई, अप्लाई ही नहीं किया, तो वो इसमें अब पीएमसी की तरफ से एमडी कैट के लिए अप्लाई की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। और साथ उन्होंने ये मेंशन किया है कि 23 से अब 27 तक हो गया, तो 27 जुलाई से आगे कोई फर्दर डेट इंक्रीज नहीं की जाएगी, इसलिए जिसने अप्लाई करना है उससे पहले ही कर ले।